दिल्ली के रहने वाले रोशन बाकी लोगों के लिए मिसाल बने हुए हैं। अपने दोनों पैर नहीं होते हुए भी रोशन कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। पिछले 22 वर्षों से रोशन इसी तरीके से व्हीलचेयर से ही कांवड़ यात्रा करते हैं। रोशन को देख हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है कि दोनों पैर पोलियो ग्रसित होने के बाद भी हौसला रोशन का किसी अन्य युवा कांवड़िए की तरह ही देखने के लिए मिलता है। तो कांवड़ का महीना चल रहा है और सावन के इस महीने में जो कांवड़िए हैं वो लगातार आपको सड़क पे देखने के लिए मिलेंगे। अभी हमारे साथ दिल्ली से यात्रा कर रहे रोशन हैं, जो वैसे तो मोदी जी का मास्क लगा के चल रहे हैं, और ये आप देखिए कि ये विकलांग भी है, लेकिन फिर भी जो भोले की भक्ति है, श्रद्धा है, वो भाव इनमें नज़र आते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से यात्रा कर रहे हैं? मैं सर, मेरा नाम है रोशन दीवाना और मैं दिल्ली से आया हूँ। अब हरिद्वार से चल अब दिल्ली जा रहा हूँ। मैं जल उठाया मैं हमने तो हमारा दोस्त जल लेके आगे गया वो, तो दिल्ली अब यहाँ दिल्ली डालना जा डायरेक्ट, और सुविधा बहुत बढ़िया रही रास्ते में। क्या कितने वर्षों से आप ये यात्रा कर रहे हैं और इस हालात में क्या चुनौतियाँ है सामने आपकी? इस हालात में मैं तो 2001 से जा रहा हूँ कांवड़ लेने, 2001 से, और 2001 से लेकर आज ये हो गया 2023, ये लगा लो। तो एक्चुअली क्या है कि जो सरकार ने अच्छा किया, सुविधा दिया है खाने की पीने की सोने की रहने की प्रबंध, वो बहुत बढ़िया अच्छी रही, बहुत बढ़िया सरकार। क्या हादसा हुआ था ये और ये परेशानी कब का? चल फिर क्या हुआ, जब 6 साल का था तो मम्मी छत पे लेके सो गए तो पोलियो मार गया था मेरे पैर में जी, तो उसी से मेरी पोलियो की शिकायत से है ना, किसी ने नहीं गछा ठीक करने के लिए, कहीं भी ठीक नहीं हुआ सर। तो अभी आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में मम्मी है, पापा हैं, और सिस्टर हैं, मेरी वाइफ है। ये बताइए वो लोग क्या कहते हैं जब आप कहते हैं कि यात्रा करनी है मुझे, मैं जाऊंगा, तो उनका क्या प्रतिक्रिया होती है? मम्मी मना करती है जाने के लिए। तो एक्चुअली आज मम्मी मना कर रही थी मेरे को जाने के लिए हरिद्वार, कि बेटा आप हरिद्वार मत जाओ। तो मैंने मम्मी से फिर भी जिद करके मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, बाबा ने बुलाया तो जाना पड़ेगा मुझे। तो कही मम्मी ने ठीक है बेटा, अगर आपकी यात्रा है तो चले जाओ, आपकी मन है। क्या उम्र है आपकी? मेरी 28 साल। ये आप रोशन मोदी जी का मास्क भी लगा के चल रहे हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है? ये मोदी जी का मास्क तो हमने ऐसे ही खरीदा था वो लगाने के लिए, ठीक है। वैसे तो हमारा है तो ये हमारा मोदी सरकारी दिल्ली के अंदर जो जिसका नाम हो रहा है वो अभी मोदी सरकारी कर रहे जो भी कर रहे, ठीक है। और यूपी के जो है हमारे योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका भी काम बहुत बढ़िया है। अच्छा, बाकी कांवड़िए बाकी भोले आपको इस स्थिति में देखते हैं और उनकी भी हिम्मत आप बढ़ाते होगे, तो उस बारे में बताइए कि रास्ते का सफ़र कैसा रहता है? रास्ते का सफ़र बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, एक्चुअली बहुत बढ़िया रहा कि कोई भी कांवड़िया अगर मुझे देखते हैं ना तो वो भी थोड़ा बहुत हाथ लगा के मुझे धक्का मार देते, वो हमारे साथ साथ भी चल लेते हैं। और पहली बात तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं एक्चुअली जागरण में भी सिंगिंग करता हूँ, भजन वगैरह भी गाता हूँ, हमारा काम ही है जागरण का ही, ढोल वगैरह ही बजाता हूँ। ठीक है, तो ये 28 वर्षीय रोशन थे जो कि है तो विकलांग, लेकिन फिर भी इनमें जो श्रद्धा भक्ति है, श्रद्धा भाव है, वो इनमें काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। बाकी कांवड़िए जो है सड़क पर चलने वाले, उनको भी ये हिम्मत देते हैं, तो इनकी इस श्रद्धा को आस्था को हमारा सलाम है।